का जो भाव है वो केवल भारतीय जनता पार्टी का भाव है। और हम कह सकते हैं जो हमारे मोदी जी ने एक 2047 था, 47 यानी आजादी के 100 साल बाद हमारा भारत कैसा होगा, ऐसा उनके मन में भाव है। और आप सबको मन में पीछे पूरा विपक्ष, पूरा विपक्ष जब मोदी जी पर वार कर रहा था, मोदी जी ने उस समय सीने ठोक कर कहा देश के लिए जीता हूं और देश के लिए जीऊंगा, और तुम जितना कीचड़ उठा रहे उतना ये कमल फैलाओ, ये कमल फैलाओ फैलेगा। तो मेरे भाई ऐसा भारत भारत और मैं 2047 का जो दृश्य है, उन्होंने कहा 2047 में हमारा भारत कैसा होगा, हमारा भारत ऐसा होगा इसमें कोई भी गरीब नहीं होगा, हमारा भारत ऐसा होगा माफियाओं की संपत्ति जब्त होगी, और हमारा भारत ऐसा होगा इस पर कोई भी संकट नहीं होगा, हमारा भारत ऐसा होगा भारत पूरे विश्व का गुरु होगा, भारत पूरे विश्व का गुरु होगा। तो ये चिंता किसे है? भारतीय जनता पार्टी की चिंता, मोदी जी की चिंता है। मेरे भाइयों आप गौरवशाली हो, क्या कोई और इस तरह की चिंता करता है, क्या कोई पार्टी इस तरह की चिंता करती है कि 2047 में हमारा भारत कैसा हुआ, नहीं करती है। आज हम कह सकते हैं हमारे भाई ने कहा ये सब दल इकट्ठे हो गए, अभी सब दल इकट्ठे हो गए नहीं हो गए, सब दल इकट्ठे हो गए, लेकिन मेरे भाइयों एक भी दल के नेता ने, एक भी दल के नेता ने भारत माता की जय नहीं बोली, एक भी दल के नेता ने भारत माता की जय नहीं बोली। और यहां हमारे भारतीय जनता पार्टी के बूथ अध्यक्ष भारत माता की जय बोलते हैं, हमारे मंडल अध्यक्ष भारत माता की जय बोलते हैं, हमारे भाई धर्मपाल जी भी भारत माता की जय बोलते हैं, हमारे माननीय सांसद जी भारत माता की जय बोलते हैं, हमारे एमएलसी साहब भारत माता की जय बोलते हैं, जिला अध्यक्ष जी भारत माता की जय बोलते हैं, हमारे मुख्यमंत्री भारत माता की जय बोलते हैं, प्रधानमंत्री भारत माता की जय बोलते हैं, और वो पाकिस्तान की जमीन पर हमारा शेर नहीं बोलता है। तो मैं आप सबसे कहता हूं बार बार, आज हम तिरंगा यात्रा की बात करते हैं, आज हम तिरंगा की बात करते हैं, घर घर तिरंगा फहराने की बात करते हैं। एक जमाना था कश्मीर के लाल चौक पर तिरंगा नहीं फहरता था, नहीं फहरता था, आज उस लाल चौक पर कश्मीर के अंदर तिरंगा झंडा फहरता है, और 32 साल बाद भाइयों में आप सबसे कहता हूं हमें बार 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 भाजपा लानी है, बार बार भाजपा सरकार लानी है। क्यों? जो जो मन में हो आपके मन में बहुत पाता हूं, क्या 443 साल बाद, 443 साल बाद अल्लाहाबाद का प्रयागराज हो गया, फैजाबाद का अयोध्या हो गया, मुगलसराय का दीनदयाल नगर हो गया, मोहम्मदनगर का पारसाली हो गया, अलीगंज का आर्यनगर हो गया। और जो जो मन में हुई तुम्हारे वो सब बातें पूरी होगी, समझ लो। बार बार भाजपा लानी है तुम्हें, बार बार भाजपा लानी है। हम कह सकते हैं 500 साल बाद, 500 साल पहले बाबर के सेनापति मीर बाकी ने हमारे राज की धरोहर, हमारा राज का मंदिर गुरु नाम का मंदिर ध्वस्त किया था, हमारी आराध्य देव का ध्वस्त किया था। आज वो दिन है, आज आप सबकी मेहनत से, प्यार से, तपस्या से, बलिदान से, मोदी और योगी के जमाने में आज वो राम मंदिर, ऐसा राम मंदिर जिसमें 20,000 लोग एक साथ आरती गए थे, 20,000 लोग, जिसमें एक भी लोहे की कील नहीं होगी, और ऐसा मंदिर जो 1500 साल तक कील भी ध्वस्त नहीं होगी। तो मेरे भाई मैं आपसे कहता हूँ आज हम और आप सबको, हमें आपका सबको पसीना बहाना है, और होते होते भारत को विश्व गुरु बनाना है। तो मैं चूंकि अभी और भी बात सम्मानीय वक्ता हैं, मैं अंत में आपसे ये कहना चाहता हूँ